हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेडेबल 08। आज अपने साथ खड़ी हुई है निसान की मैग्नाइट, 4-स्टार सेफ्टी रेटेड कार है और इसका जो वेरिएंट खड़ा हुआ है अपने साथ वो है एक्सेल वेरिएंट, जो नीचे से दूसरा वेरिएंट रहने वाला है। ये वेरिएंट जो है यार मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, लुक बहुत अच्छा मिल जाता है और कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो देखते के साथ ही आप लोग कहोगे कि वाओ यार, मतलब इतना सब कुछ मिल रहा है। और सबसे मेन बात, इस गाड़ी की कीमत कितनी हो जाती है, देखो यार उससे ही शुरुआत करेंगे क्योंकि कीमत जो है ना यार वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर 7,04,000 रुपए एक शोरूम पड़ती है और ऑन रोड की बात करोगे तो हमारे ये मेरठ में 7,92,000 की ये आपको पड़ जाएगी। अब सबसे मेन बात, इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है। कोई अगर ऑटोमेटिक लेना चाहता है ना तो डेफिनेटली इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ले सकता है। ऑटोमेटिक के लिए यार काफ़ी मेजर पे करना पड़ता है, लेकिन मैग्नाइट के अंदर अगर इस सेम वेरिएंट की बात करोगे तो सिर्फ 46,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब देख लेते हैं यार इस गाड़ी के अंदर में क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले बता दूं, अपने राइवल्स को बहुत तगड़ी टक्कर दे रही है। और अगर कोई SUV का शौकीन है ना, जिसको भाई SUV वाले मजे चाहिए, 4 मीटर के अंदर गाड़ी चाहिए, तो इससे अच्छी गाड़ी नहीं हो सकती है। इसके रीजंस अभी देखते रहेंगे जब इसको पूरा वर्क अराउंड करेंगे। इसमें यार आप ना हैचबैक के रेट में काइंड ऑफ SUV ले रहे हो, मैक्सिमम फीचर्स मिल रहे हैं जो और कंपनीज में नहीं मिल रहे हैं और प्लस सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जा रहे हैं। चलो ये हो गई बात। अब सबसे पहले इसका आप फ्रंट चेकआउट करो। ये कुछ रहेगा इस गाड़ी का फ्रंट का लुक। फ्रंट से गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। सेंटर में आपको निसान का लोगो मिल जाता है, काफ़ी बड़ी ग्रिल मिलती है और ये आपको ग्रे कलर के अंदर है। ये देखो आप इसका डिज़ाइन क्या सही रहने वाला है। सराउंड में आपको क्रोम मिलेगी जो काफ़ी लुक को एनहेंस कर रही है और नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि फॉग लैंप्स इसके अंदर नहीं दे रखे, लेकिन एज एन एसेसरी आप लोग इसको लगवा सकते हो। क्रोम यहाँ भी दे रखी है और लाइट्स देखो कितनी स्लीक है इसकी। पूरा का पूरा आपका हेलोजन का सेटअप रहने वाला है ये। इसके अंदर LEDs लगवा लोगे ना तो और भी लुक बढ़िया हो जाएगा। अब साइड में आते हैं यार, ये है इसका साइड का लुक। सबसे पहले आप इसका पूरा लुक देख लो, 4 मीटर के अंदर रहने वाली है। सबसे बढ़िया चीज़, 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर आप व्हील्स की बात करोगे, C8 का सिक्योर ड्राइव का टायर दे रखा है 195/60R16 प्रोफाइल के साथ। निसान मैग्नाइट की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी और ये ORVM ब्लैकआउट हैं जो लुक एनहेंस कर रहे हैं। भाई व्हाइट के साथ जो ब्लैक कलर है ना वो यार एक नेक्स्ट लेवल ही लुक देता है। इसके ऊपर टर्न सिग्नल भी है और सबसे अच्छी बात ना, ये भाई इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल रहने वाले हैं। नीचे देखोगे आप तो पूरी प्रॉपर क्लैडिंग है। डोर हैंडल्स देखो आप इसके, बॉडी कलर्ड हैं, ये वाले पिलर्स आपको ब्लैकआउट हैं और ऊपर रूफ रेल भी है यार। पीछे शार्क फिन एंटेना भी है जो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। फ्यूल टैंक इसके अंदर कितनी कैपेसिटी आती है, 40 लीटर की आती है, मतलब इतना तेल आप इसके अंदर डाल सकते हो, सिर्फ पेट्रोल के अंदर अवेलेबल है। अब सबसे मेन बात आती है कि माइलेज, इसमें आप कितना माइलेज ले सकते हो। देखो यार 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है इसके अंदर। ये कुछ रहेगा, काफ़ी स्पेस बच रहा है, नीचे कोई प्रोटेक्शन कवर नहीं है और ऊपर इंसुलेशन है जो एक अच्छी चीज़ है, यानी कि रिफाइनमेंट लेवल जो है, बेसिकली इंजन नॉइज जो है वो कैबिन में काफ़ी कम आएगी क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे भी इंसुलेशन दे रखी है। अब इस इंजन से कितनी पावर प्रोड्यूस कर सकते हो, माइलेज तो काफ़ी अच्छा निकल रहा है। इसको बंद कर देते हैं, 71 BHP का और 96 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसके अंदर, जो एक यार ठीक है मतलब इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है 19.35 ये माइलेज दे देगी, लेकिन ये बात तो ही चलो ऑन रिकॉर्ड, रियल लाइफ में कितना दे देगी ड्राइविंग पे बहुत डिपेंड करता है, रोड कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ 17 और 16 के बीच में ये दे देगी आप लोगों को। अब रियर से देखो यार, रियर से भी लुक इसका काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब आप खुद देखो सिंगल फ्रेम के अंदर कितनी सही लग रही है ये देखने के अंदर। सेंटर में आपको लोगो मिलेगा, मैग्नाइट आपको यहाँ पे क्रोम के अंदर मिलेगा और बिल्कुल सिंपल सा लुक है। लाइट्स काफ़ी स्लीक हैं और ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन है जो काफ़ी सही लग रहा है। अब यार नीचे से दूसरे वेरिएंट में आप यहाँ नोटिस करो, रियर वाइपर दे रखे हैं, यहाँ पे डिफोगर्स दे रखे हैं और भाई वॉशर भी है और ये स्पॉइलर हो गया जो लुक को काफ़ी एनहेंस कर रहा है। इधर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप हो गया, स्पॉइलर से तो यार वैसे भी ना लुक काफ़ी अच्छा हो जाता है। पीछे आपको स्किड प्लेट दे रखी है, पार्किंग सेंसर्स दो नहीं पूरे 4 पार्किंग सेंसर्स हैं यार। ये हो गए आपके 1, 2, 3 और एक इधर हो गया आपका, दैट मीन्स पार्किंग सेंसर्स में कोई कटौती नहीं है। अब इसके बूट स्पेस की बात करता हूँ जो काफ़ी अच्छा होएगा, यहाँ से भाई एक्सेस कर सकते हो। ये आपको बटन दे रखा है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच दे रखा है। और भाई ये हो गया इसका बूट स्पेस 336 यानी कि 336 लीटर का बूट स्पेस है ये। और स्पेस देखो आप, चाहो तो भाई बिस्किट भी खा लो आप, मोस्ट वेलकम, आ जाओ और खाओ। यहाँ पे आपको हुक मिलेगा और इधर भी आपको एक हुक मिल जाएगा और शेल्फ नहीं मिलेगी, लेकिन शेल्फ की कॉस्ट अराउंड 1200 रुपये के आसपास की होगी, तो आप लगवा सकते हो एडिशनली, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की लाइट्स हैं, ये क्लैडिंग है, काफ़ी सही लग रही है, और ये आपका हैंडल हो गया इसको डाउन करने के लिए। भाई बाहर से हो गई गाड़ी, इसको करो यहाँ से बंद। लुक आप लोग मुझे कमेंट में बताना कैसा लग रहा है, 4-स्टार सेफ्टी रेटेड कार है, फिर से बता रहा हूँ मैं। अब चलते हैं अंदर की तरफ, ये देखो आप ट्रिम के अंदर आप देख के कुछ कह सकते हो? भाई काफ़ी प्यारी लग रही है ट्रिम इसकी, खासकर ये जो ग्रे वाला कॉम्बिनेशन है ना, मतलब वो प्लेन सा किसी में आता है, किसी में बिल्कुल सादी दे देते हैं, यहाँ पे एटलीस्ट कुछ अच्छा काम किया गया है। यहाँ पे आप पूरी ट्रिम देख लो, विंडो के स्विचेस हैं, इधर भी आपको ये सिल्वर एलिमेंट्स दे रखे हैं, सिल्वर हैंडल दे रखा है, और भाई ये ओल्ड स्कूल टाइप्स कह सकते हो आप इसको। ये चीज़ें छोटी मोटी तो यार नज़रअंदाज करी जा सकती हैं। 4 स्पीकर्स हैं इसके अंदर, इस वेरियंट के अंदर। अब सीट्स पर आ जाओ, तो भाई ये कुछ हैं इसकी सीट्स। अब सीट्स भी आप देखोगे ना, तो 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, सीट बेल्ट जो है वो 3 पॉइंट हैं। यहाँ पे आप ये पूरी फिनिशिंग देखो, पैटर्न भी अच्छा है, ऐसा सेंटर में कोई आर्मरेस्ट नहीं है, ठीक है। और नीचे से दूसरे वेरिएंट में यार एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और फ्लोर बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि यहाँ पे आप आराम से कंफर्टेबली बैठ जाओगे। स्पेस की बात करोगे ना, ये आपका पूरा नी रूम है, और इधर लेग रूम भी काफ़ी सही है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छी दे रखी है, और ये आपका हो जाता है हेड स्पेस, तो हेड स्पेस भी अच्छा है। इस प्राइस सेगमेंट में ये वाली जो गाड़ी जो है आपकी, ये काफ़ी सही हो जाती है फीचर्स के अकॉर्डिंगली। ऊपर आपको ये लाइट है, ये आपकी हेलोजन के अंदर है। इधर डोर हैंडल हो गया विद हुक, सेम एज आपको एक इधर हो गया, एक आपको आगे हो गया। अब चलते हैं भाई सीधे आगे की तरफ, तो यार शुरुआत करेंगे इसकी चाबी से। चाबी देख लो आप, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक के बटन मिल जाएंगे, और दोनों ही आपको इस तरह की कीज़ मिलेंगी, और पीछे आपको बैजिंग मिल जाएगी, यहीं से लॉक करो यहीं से अनलॉक करो। अब चलते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये होगी इसकी ट्रिम एज इट इज़ आपने देख ली, सारे कंट्रोल्स हो गए यहाँ पे, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORVM दे रखे हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। स्पीकर हो गया और बोतल की प्लेसमेंट ही आ गई। इसमें आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिल जाएगा और हेडलाइट लेवलर का मिल जाएगा। चाबी आप अपनी यहाँ पे लगा सकते हो सिंपली, और ये हो जाती हैं सीट्स क्या है, हाइट एडजस्टिंग नहीं है, और बाकी सीट्स जो है ना वो देखने में सही लग रही हैं, प्लस कंफर्ट में भी आपको ये है कि लॉन्ग राइड में दिक्कत परेशानी नहीं आने की है। अब आ जाओ यार इंटीरियर में, इंटीरियर देखते ही आपको ना अच्छा फील होगा इस प्राइस सेगमेंट में। सबसे पहले आप पूरा ये डैशबोर्ड का लेआउट चेक करो, AC वेंट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लुक क्योंकि अच्छा है इसका। यहाँ पे आप सेंटर में नोटिस करोगे तो कुछ इस तरह का आपको मीटर मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप कह सकते हो, ये आपका RPM है, इसके ऊपर कोई मिरर नहीं है। सेंटर में MID है जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी, और इधर आपका ये टेम्परेचर का प्लस फ्यूल गेज हो जाएगा, तो ओवरऑल देखने में ठीक लग रहा है। बाकी यहाँ पे आपको ये स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशेस हैं, और सबसे बड़ी बात इस प्राइस सेगमेंट में आपको यहाँ पे सारे स्टीरियो माउंटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिलेंगे, और इधर आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अब भाई इतना ही नहीं है इनफ, इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट्स भी मिल जाते हैं, ये आपका हाइट एडजस्टमेंट्स के साथ है, डुअल टोन के अंदर है, जो लुक अच्छा लग रहा है। और ये है इसकी 2-DIN वाली डिस्प्ले, छोटी सी डिस्प्ले है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसके अंदर, रेडियो कनेक्ट कर सकते हो, USB कनेक्ट कर सकते हो, जिसको बहुत ज़्यादा फैंसी फीचर्स नहीं चाहिए ना तो वो तो इसको कर सकता है, अदरवाइज इस वेरिएंट को लेके सिर्फ इतने पार्ट को अगर कोई चेंज करा लेगा, ठीक है, तो टच स्क्रीन वाला भी यहाँ पे काम पूरा हो जाएगा, तो भाई ये वेरियंट इस पर्पज से भी बढ़िया है। अब यहाँ पे देखो ऑटो AC की यूनिट मिल रही है, ये रहा ऑटो का बटन, AC की कूलिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, छोटी सी यहाँ पे डिस्प्ले है, बिल्कुल लो पे कर रखा है, और यहाँ से आप अपना बिल्कुल एंगल वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। और डैशबोर्ड, तो यार ये है इसका डैशबोर्ड काफ़ी सही दे रखा है, यहाँ पे आराम से काफ़ी सामान आ जाएगा, यहाँ पे अपना किताबें वगैरह को इस तरीके से प्लेस कर सकते हो। ये ट्रिम है, इधर आपको भाई ये वाइजर मिलेगा, कोई टिकट होल्डर नहीं है इस पर, और यहाँ पे आपकी लाइट्स हो जाएंगी, ये आपका IRVM है, डे नाइट रहेगा, और इधर आपको मिरर मिल जाएगा। इसकी जो क्वालिटी है ना वो अच्छी है, हल्की वो पत्ते जैसी सी नहीं है, और यहाँ पे आपको माइक मिल जाएगा, तो ये सब हो जाता है। अब आते हैं भाई मुद्दे की बात पे, 4-स्टार सेफ्टी रेटेड के साथ साथ सेफ्टी फीचर्स क्या हैं इसके अंदर।
तो देखो यार, डुअल एयरबैग ABS CVT जो स्टैंडर्ड है वो तो सब फीचर्स हैं, लेकिन अच्छे फीचर्स क्या हैं? ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हिल असिस्ट हो गया, व्हीकल डायनामिक कंट्रोल हो गया, और भी हैं, पूरी लिस्ट है, आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये सब है इसके अंदर, प्राइसिंग्स मैंने बता दी हैं, अब कमेंट करके आप बताना और वीडियो पे यार लाइक्स करो, एटलीस्ट 100 लाइक्स तो कर ही दो। अब सेंटर में एक चीज़ और देखो, ये पूरा स्पेस, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ अपना मोबाइल प्लेस कर सकते हो, 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ है, रिवर्स आपका इधर हो जाएगा, लेदर रैप्ड है, और फिट एंड फिनिशेस भी अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे आपका ये हैंडब्रेक हो गया, काफ़ी बड़े ट्विन कप होल्डर्स हो गए, और यहाँ पे भी अपनी बोतल वगैरह कुछ प्लेस कर सकते हो, आर्मरेस्ट नहीं है। तो ये सब हो गया, मिलते हैं अब एक दूसरी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।